हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेचर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। वो अपडेट क्या रहने वाली इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ है मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का, 29 अगस्त को यहाँ पर जारी हुआ है। अब इस संबंध में बहुत सारे आवेदक के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर, इस संबंध में वीडियो बनाई, हमें स्पष्ट बताइए क्या नई भर्ती का लेटर आ चुका है, क्या कोई अपडेट आई हुई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हूँ आपको, आप लोगों को ए टू जेड, ताकि आप लोग समझ सकें लेटर में क्या लिखा हुआ, किन के लिए लेटर यहाँ पे आया हुआ स्पष्ट। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे नए चैनल वाले सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इन्फॉर्मेशन या भर्ती संबंध जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे जो लेटर जारी हुआ है 29 अगस्त को, दोस्तों यहाँ पे लेटर निकाला गया है जो समस्त कलेक्टर और समस्त मुख्य कार्यपर अधिकारी जिला पंचायत की ओर यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए मेन इस लेटर क्या रहने वाली, मेन देवता ये लेटर रहेगा। ये जो लेटर है, जो पहले से जो ग्राम पंचायत सचिव हैं वो कार्यरत हैं, उनके लिए दोस्तों ये लेटर आया हुआ है। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें लेटर में लिखा है ग्राम पंचायत सचिव की सेवा काल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध दोस्तों यहाँ पे लेटर जारी हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मेन क्या रहने वाली की जो पहले सचिव काम करते हैं उनकी जो अनुकंपा नियुक्ति होती है दोस्तों, यानी मृत्यु के उपरांत 3 वर्ष तक रहती थी, लेकिन उसको बढ़ाकर यहाँ पर 7 साल कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 7 वर्ष यहाँ पर कर दिया गया है। अब मेन बात दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो अनुकंपा नियुक्ति रहेगी तो संबंधित क्षेत्र में जो उनके जिनको नियुक्ति मिलेगी उनके पास दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता है वो होना चाहिए, तभी अनुकंपा नियुक्ति उनको मिलेगी। इस लेटर में दोस्तों इतना ही लिखा हुआ है और कुछ भी आपको नहीं लिखा हुआ है इस लेटर के अंतर्गत। दूसरी बात है कि बहुत आवेदक बोल रहे हैं कि क्या मतलब वीडियो बन चुकी है, क्या नई भर्ती होने वाली, नई भर्ती की दोस्तों नई भर्ती के संबंध में अभी तक कोई भी ऐसा लेटर अपडेट नहीं आया हुआ है। ठीक है ना, ताकि आप लोग की भर्ती यहाँ पर हो सके, कोई अपडेट यहाँ पर आई हुई है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी भर्ती के संबंध में बता देंगे हम। बाकी अनुकंपा नियुक्ति का आएगा, इसमें जो पुराने जो पहले से खाए रहते हैं उनके लिए जो है इंतजार की बता हुआ है कि अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत की मृत्यु से 7 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। ठीक है, यदि मृतक पर आश्रित परिवार कोई भी सदस्य उक्त शैक्षण योग्यता जो ना हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षण योग्यता दायित्व मतलब करना पड़ेगी, तभी उसको ये पात्रता अर्जित होकर अनुकंपा नियुक्ति की। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। तो नॉर्मल से लेटर जारी हुआ है, ज्यादा कुछ समय नहीं आया नए आवेदक के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत से आवेदक कमेंट थे कि सर हमें समझाइए क्या लेटर यहाँ पर आया हुआ है। ओके दोस्तों, थैंक यू।